लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है खेती करने की, और भाई इतनी ज्यादा ये खाद पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जो जैविक खाद है उससे बहुत भरोसा करते हैं। अभी दिखाएंगे आपको इसका कैसे उपयोग किया। भाई आज इडली के खेतों के अंदर आए हैं और आपको ऐसी ऐसी मशीनें दिखाएंगे जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। भाई ऐसी मशीनें हैं दोस्तों जिससे ना पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं वो मशीन दिखाने वाले हैं भाई साहब। 3-3 करोड़ की मशीन है, इतनी महंगी महंगी मशीन है, और भाई साहब 3-3 काम एक साथ करती है। 3 काम बोले तो वही खाद भी, बवाई भी, बुआई भी, सब काम एक साथ करती है। तो चलिए दिखा देते हैं मशीन कैसी है वो। तो भाई वीडियो को ना कमेंट करके बताना कि कैसी लगी मशीन है, किसी किस किस भाई ने पहली बार देखी है। ऐसी नई नई जानकारी के लिए भाई बाहर विदेशों की टेक्नोलॉजी देखने के लिए, कल्चर देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए आप पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई पीछे ना बहुत बड़ा जुगाड़ चल रहा है, पूरा जुगाड़ आपको दिखाएंगे कैसे चलेगा कैसे। अब तक हमने दिखाया था पूरा मशीन के बारे में, अब इसको चलता हुआ और दिखाएंगे आपको। और भाई ये सामने इतनी बड़ी मशीन दिख रही है ना, ये है खेतों के अंदर जैविक खाद को कैसे दी जाती है उसके लिए ये मशीन है भाई। अभी दिखाता हूँ आपको पूरी पूरी। और इसके टायर देखोगे ना आप, कम से कम भी 7 फीट की हाइट है, जैसे कोई बहुत बड़ा टैंक खड़ा हो ना ऐसे, ये देखो आप। और इसके अंदर ये सस्पेंशन सिस्टम लगी हुई है पूरा, इसके ऊपर है ना चढ़ने के लिए भी भाई साहब 8-9 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर ऊपर जाया जाता है इसके। और ये देखो भाई कितनी बड़ी मशीन है। और अभी मैं पीछे जाके दिखाता हूँ इसका, ये इसका फ्यूल टैंक है और बोजेटो कंपनी की ये मशीन है। आपने पहले कभी नहीं देखी भाई ऐसी मशीन। प्लांट से है ना जो खाद आती है ना उसको, ये जो बड़ा सा आप देख रहे हो ये इसका टैंक है, तो इसका वो पाइप है वो बाद में दिखाऊंगा दूसरी साइड से जाके, वहाँ से इसके इसका जो टैंक है ना जो खाद का उसमें डाल दिया जाता है। तो इस पाइप के थ्रू ना ये आगे आगे ना हर रो चलती है भाई। ये देखो 14 तोड़ की हर रो लगी हुई है इसके, ये जो नीचे है और ये तीन इस साइड में, तीनों साइड में 6 और हो जाएंगी भाई। और पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ है भाई, ये देखो पूरी की पूरी खाद को लेकर जमीन के अंदर ऐसे मिक्स कर देती है भाई। जबरदस्त सिस्टम बना रखा भाई, पूरा का पूरा हाइड्रोलिक, और करोड़ों रुपए की मशीन है भाई। खाद है ना भाई इस पाइप से है ना, जो टैंक आता है उस टैंक से है ना इस खाद को इसके अंदर, वहाँ से फिल्टराइज जितना भी है ना इसका जो प्रोसेस होता है वो होके इस मशीन से, और ये देखो इसके बाद इस लास्ट में इस पाइप में आता है। तो इस पाइप के बाद जितने भी हल हैं इस कल्टीवेटर के सभी में एक एक अलग अलग पाइप लगा हुआ है। जब ये नीचे जाएंगे ना, देखो ये हल है और ये पाइप लगा हुआ, ये नीचे जाएंगे ना तो इनके साथ साथ है ना हम करते हुए चलते हैं भाई। बहुत तगड़ी मशीन बना रखी है। तो कमेंट करके बताएं आपने पहली ऐसी मशीन देखी हो तो। और यहाँ पे जैसे हमारे ट्रैक्टर के होते ना ऐसे वो लगे हुए हैं और ये लिफ्ट उठाने के लिए, और पूरे का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम भाई, ये बड़ी मशीन है ये। और लिखा हुआ है इस पे बोजेटो कंपनी की मशीन है। अगर और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हैं। ये देखो कम से कम भी 7 फीट का तो इसका टायर है भाई, 6 फीट के लगभग मेरी हाइट है। इसका टायर देखो भाई, इसकी मोटा ही बहुत ही जबर मशीन बना रखी है भाई। और यहाँ से ये पूरी की पूरी कंट्रोल होती है, इसका ये जो है प्रोसेस सिस्टम लगा हुआ है। ये देखो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए ऐसी मशीन देखी हो तो। पहले ये देखो कंबाइन होती है ना भाई, ऐसी मशीन है, इतनी बड़ी मशीन है कंबाइन जितनी बड़ी, लेकिन कंबाइन नहीं है भाई, ये जैविक खाद खेतों में डालने के लिए एक मशीन काम आती है भाई। तो भाई अभी दिखाऊंगा ये मशीन कैसे काम करती है। ये देखो 1 मिलियन यूरो की ये मशीन है और जर्मनी की मशीन है ये। और जैविक खाद का जो वेस्टेज होता है, जो खाद होती है ना, वो इस टैंक में भरी हुई है ट्रैक्टर से, ये खुद ही लेके आया है भाई। ये देखो ट्रैक्टर में लेके आया है, इस टैंक में जैविक खाद भरी हुई है। और अभी है ना इसमें मशीन में डालेंगे, सामने से ट्रैक्टर हो रहा है, इसमें भी जैविक खाद भरी हुई है और एक छोटा सा लड़का चला रहा है इस ट्रैक्टर को। और ये आ गया, देखो इसने मशीन खोल दी है और अभी है ना देखिए जैविक खाद डालेंगे इसमें। ये इसने ट्रैक्टर के जो टैंक के ऊपर एक यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है और उसमें ऑटोमेटिकली ये है ना, ये देखो अभी इसने खाद लेना शुरू कर दिया मशीन ने। तो वही पीछे ना बहुत बड़ा जुगाड़ चल रहा है, पूरा जुगाड़ आपको दिखाएंगे कैसे चलेगा कैसे। अब तक हमने दिखाया था पूरा मशीन के बारे में, अब इसको चलता हुआ और दिखाएंगे आपको। तो भाई स्मेल बहुत आ रही है गैस की लेकिन अभी दिखाएंगे आपको इटली की आधुनिक मशीनें कैसे काम करती है, यहाँ की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है खेती करने की। और भाई इतनी ज़्यादा ये खाद पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जो जैविक खाद है उससे बहुत भरोसा करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं भाई। अभी दिखाएंगे आपको इसका कैसे उपयोग किया जाता है भाई। ओके तो मैं अपना दोस्त है अपना जो जहाँ पर मैं काम कराया करता ना वहाँ आया करता है, इसका नाम उस्तेंद्र भाई। अंदर जाके दिखा रहे हैं कैसे ये वर्क करता है। उस्तेंद्र भाई चले गए मशीन के अंदर कैसे काम करता है।
तो ये देखो भाई कैसे काम कर रही है मशीन, चल रही है पीछे, और ये आपको दिखाते हैं अंदर से कैसे काम करती है। देखो भाई इसमें खाद डालना शुरू हो गए, और पूरे का पूरा ना सेंसराइज सिस्टम है, और ये पीछे मशीन के अंदर ना ये देखो कैमरे वैमरे सब लगे हुए हैं। ये तो ये कार्ड है इसका, भाई ने कार्ड दे दिया ना। ये देखो अब है ना ऑटोमेटिक इसके अंदर चला जाएगा पाइप के अंदर, और यहाँ से खाद डालेगा। ये साथ में ना मशीन के अंदर से दिखाता रहेगा कि कितनी आगे कितनी नहीं, सेंसराइज सिस्टम पूरा का पूरा, और ये सारा का सारा ऑटोमेटिक इसके अंदर भाई बैठ रहा है सीट पे। चलो चलते हैं। तो भाई अभी हमने आपको दिखाई ये मशीन है, इतनी महंगी मशीन, ये कैसे काम करती है। तो भाई वीडियो को ना कमेंट करके बताना कि कैसी लगी मशीन है, किसी किस किस भाई ने पहली बार देखी है। ऐसी नई नई जानकारी के लिए भाई बाहर विदेशों की टेक्नोलॉजी देखने के लिए, कल्चर देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए आप पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।